अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी। इस रेसिपी को हम अपने स्टाइल में बनाएंगे, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर ले लिया है 4 से 5 बैंगन। ये मीडियम साइज़ के हैं, हमने इनको 4 टुकड़ों में काट लिया इस तरह से, और मैंने पानी में भिगा के रख दिया है। मैंने पानी में भिगा कर रखा है, तभी भी ये हमारे काले हो चुके हैं क्योंकि हमने देर से रखा हुआ है। और मैं इसको कर देती हूँ साइड में। और ये मैंने लिया है आलू, ये आलू हमारे 3 से 4 आलू हैं मीडियम साइज़ के। इसको मैंने आधे टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। इसको भी मैंने पानी में भिगा के रख दिया है ताकि काले ना पड़े। अब मैं आलू को भी कर देती हूँ साइड में। और ये मैंने ले लिया है छोटे साइज़ के फ्लावर, फ्लावर को भी मैंने इस तरह से काट लिया है। इसको मैंने पहले से नमक के पानी से मैंने पहले से धुल कर रख दिया था। इसको भी कर देते हैं साइड में। और ये मैंने लिया है सहजन, हम लोग सहजन इसको बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने 2 स्टिक सहजन का लिया है, तो मैंने सहजन को भी 1 इंच के टुकड़ों में काट लिया है और हमने पहले से धुल कर रख लिया है। और ये मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ के प्याज, थोड़े से कड़ी पत्ता, 1 लाल मिर्ची, 1 चम्मच जीरा सफ़ेद वाला, इसका हम तड़का लगाएंगे। तो फिर चलते हैं अपने गैस पर। तो मैं गैस पर आ चुकी हूँ, गैस को मैंने ऑन कर लिया है और हमने कढ़ाई भी चढ़ा दी है गैस पर। और मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में ऑयल, ये मैंने ऑयल लिया है राई का। राई के तेल में इस सब्ज़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, आप इस जगह पे कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तेल को गर्म होने देती हूँ। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं आने लगा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये फ्लावर, तो मैंने फ्लावर को ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा पिंकी फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा फ्लावर हल्का गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये बैंगन को, बैंगन को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे बैंगन भी हल्का सा फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये सहजन, सहजन को हम इसी तरह से 20 से 30 सेकंड तक भून लेंगे। तो हमारे सहजन को भी 20 से 30 सेकंड हो चुके हैं भूनते हुए। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ आलू, आलू को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारे सब्ज़ी फ्राई हो चुके हैं। अब इन सब्ज़ियों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, हमने गैस के फ्लेम को बंद नहीं किया है, इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। तो मैंने सारे सब्ज़ियों को फ्राई करके निकाल लिया है इस तरह से। अब इसमें हम और ऑयल ऐड कर देते हैं, तो मैंने 1 कप के लगभग ऑयल ऐड कर दिया है। अब ऑयल को फिर से हम गर्म होने देते हैं। तो हमारे ऑयल गर्म हो चुके हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं ये कड़ी पत्ता, और ये हम लाल मिर्ची को भी ऐड कर देते हैं, और ये मैंने जो ज़ीरा लिया हुआ था 1 चम्मच, इसको भी हम ऐड कर देते हैं इसी में। तो कड़ी पत्ता और मिर्ची हमारे हल्का सा फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा ये प्याज, प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो लहसुन अदरक का पानी हमारा सूख चुका है, अब इसमें ऐड कर देते हैं कुछ सूखे मसाले, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच भुने हुए ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी पाउडर, इसको मैंने कलर के लिए ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़े से काली मिर्च क्रश किए हुए, और 1 से 2 चम्मच मैं पानी ऐड कर देती हूँ ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसको भी हम चला लेते हैं। और ये 3 से 4 चम्मच दही मैंने लिया है, इसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं, दही को भी हम मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच नमक, नमक आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। इन मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारे मसाले अच्छी तरह से भून नहीं जाते हैं और हमारे मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब तक हम इन मसालों को भूनेंगे। इन मसालों को हम 1 मिनट तक ढक देते हैं ताकि हमारे टमाटर भी गल जाएं। तो अब मैं मसालों को खोलकर चेक कर लेती हूँ, इस तरह से हम मसालों को भून लेते हैं। हमारे मसाले तो भून चुके हैं अच्छी तरह से, मसाला हमारा ऑयल छोड़ चुका है। और इन सब्जियों को अब मैं ऐड कर देती हूँ, तो हम मिक्स कर लेते हैं इसी मसाले में। तो मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, पानी मैं ऐड करूँगी 1 गिलास के लगभग। तो मैंने पानी ऐड कर दिया है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं।
और इस स्टेज पर हम अपना नमक भी चेक कर लेंगे। तो मैंने सब्जियों को चला लिया है, अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ। तो मैंने ढक्कन लगा दिया है, अब इन सब्जियों को हम गलने तक पकाएंगे, जब तक कि हमारे आलू और बैंगन अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं। बीच बीच में हम एक दो बार ज़रूर चेक कर लिया करेंगे ताकि हमारे सब्ज़ी जले नहीं नीचे से। तो मैं सब्ज़ियों को अब देख लेती हूँ हमारे सब्ज़ियाँ गले हैं या नहीं। हमने इन सब्ज़ियों को बीच बीच में चला दिया था तो हमारे सब्ज़ियाँ गल चुके हैं, हमारे बटाटे भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। हम सब्ज़ियों को अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो मैंने सब्ज़ियों को चला लिया है और अब मैं ग्रेवी के लिए डाल देती हूँ आधा कप पानी। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा जितना आपको ग्रेवी पसंद हो। तो मैंने पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, हमने ग्रेवी इतना ही रखा है इस तरह से इतना। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती को भी हम मिक्स कर लेते हैं और एक मिनट तक ढककर हम और पकाएंगे ताकि धनिया की खुशबू हमारे सब्ज़ी में आ जाए। तो हमारी सब्ज़ी को एक मिनट पकते हुए हो चुका है, अब हम खोल कर देख लेते हैं सब्ज़ियों को। अब ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुके हैं और मैं अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और मैं सब्ज़ियों को डिश आउट कर लेती हूँ। तो मैंने सब्ज़ियों को डिश आउट कर लिया है और मैं सब्ज़ियों को धनिया की पत्ती से गार्निश कर देती हूँ। तो मैंने धनिया की पत्ती से भी गार्निश कर दिया है। तो देखिए हमारी ये सब्ज़ी कितनी डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं, बहुत मज़े के बने हैं मिक्स सब्ज़ी। तो इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। और ये हमारे मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।